नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज आपको डिजिटल क्लैंप एम पेन मीटर के बारे में बताता हूँ। देखिए, ये पहले हमारे नॉर्मल एम्पियर मीटर हुआ करता था, जिससे हम एक निडल है इसमें, इसके द्वारा हम इसको हमारे तारों में कितने एम्पियर की लाइट चल रही है इससे ही चेक किया करते थे। इसे चेक करने में प्रॉब्लम थी, इसके दोनों तार अलग अलग हमें तार काट करके जोड़ने पड़ते थे। ये देखिए आप, ये हमारी मेन एसी लाइन है, और इस एसी लाइन के अगर हमें एम्पियर चेक करने हैं तो हम इस तार को काटेंगे और इस तरह जोड़ेंगे, तभी लाइन चेक हो पाएगी। नए डिजिटल क्लैंप मीटर के आने से अब तार काटने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें एम्पियर चेक करने के लिए क्लैंप है, जिससे कि इसके नाम से ही जाहिर होता है कि डिजिटल क्लैंप मीटर, ये क्लैंप है, क्लैंप खुल जाता है और इस क्लैंप के अंदर से हम तार गुजारते हैं तो यहाँ पर हमारे एम्पियर शो होने लगते हैं। एम्पियर शो करने के लिए हम इसके रेंज को सिलेक्ट करते हैं। ये पोर्शन हमारी एसी एम्पियर चेक करने के लिए है। अगर एम्पियर कम है तो 200 एम्पियर से चेक करेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा एम्पियर हैं तो 1000 तक ले जा सकते हैं। इसके बाद ये डीसी है, हमें एसी अगर वोल्टेज चेक करने हैं तो हम इसे यहाँ पर करेंगे। अगर हमें डीसी वोल्टेज चेक करने हैं, डीसी वोल्टेज नॉर्मल बैटरियों में होते हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस की रेंज है, जो रेजिस्टेंस चेक करनी है अगर हम आपको। अब हम मैं आपको दिखाता हूँ एम्पियर कैसे चेक करते हैं। एम्पियर चेक करने के लिए हमें लाइट को लगाना पड़ेगा। ये देखिए, अब हमने लाइट जोड़ दी है और इसमें हमारे आ रहे हैं 369, यानी कि 7 पॉइंट कुछ एम्पियर आ रहे हैं, समथिंग। इसे हम 200 की रेंज पर सेलेक्ट करते हैं, 200 की रेंज पर। ये हमारे 6.3 एम्पियर आ रहे हैं। हमने तार भी नहीं काटा और उसी के ऊपर से एम्पियर चेक कर लिए। ये देखिए, ये तार है, इसके एम्पियर चेक करने के लिए हमने ये इसके अंदर डाला और ये इसके एम्पियर आ रहे हैं 7.6। जैसे जैसे वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं, एम्पियर भी कम ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर से अगर हम दोनों तार निकालेंगे तब एम्पियर ये शो नहीं करेगा, एम्पियर जीरो आएंगे। इसलिए ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम केवल एक ही तार को यूज करें, 7.4 एम्पियर। इस तरह से हम एम्पियर चेक कर लेते हैं और हमें तार को भी काटना नहीं पड़ता। अब मैं इसे एसी की रेंज में सेलेक्ट करता हूँ। अब एसी वोल्टेज अगर हमें चेक करने हैं, एसी वोल्टेज आ रहे हैं 152। इस तरह हम इसे डीसी पर सेलेक्ट कर लेते हैं, और डीसी की एक छोटी सी बैटरी है जो 9 वोल्ट की है। तो ये 9 वोल्ट, इसी तरह अगर हमें कोई रेजिस्टेंस चेक करनी है, ये रेजिस्टेंस है, इसे देखते हैं कितने ओम की है, 100 ओम। ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ये शायद के में किलो ओम, और ये 10 किलो ओम। तो इस मीटर के द्वारा हमने एम्पियर भी चेक किए, वोल्टेज भी चेक करे, और डीसी वोल्ट भी चेक किए, और रेजिस्टेंस भी चेक की। और अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, दोनों वायरों को आपस में मिलाने पर कंटिन्यूटी चेक होती है। धन्यवाद।